नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजन न्यूज पर। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कोरबा जिले के कटघोरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ता को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए रणनीति भी बनाई। प्रदेश कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में वायदा अनुसार बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिए जाने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा कटघोरा ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। मोर्चा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की। मोर्चा से जुड़े लोगों ने आगामी 24 अगस्त को रायपुर में सीएम निवास को घेरने को लेकर रणनीति बनाई। जैसा कि सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव के पूर्व जो छत्तीसगढ़ के युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से, हमारे भाई बहनों से छत्तीसगढ़ के जो वादे किए थे कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो रोजगार देंगे, आपको बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये प्रति माह देंगे, निश्चित रूप से सारे वादे खोखले निकले हैं, सारे वादे झूठे निकले हैं। इसलिए बार बार मांग करने के बाद भी छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा आज आत्महत्या करने को मजबूर हैं, जिसके विरोध में, छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध में और छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा भाई बहनों के समर्थन में भारतीय जनता युवा मोर्चा जन आंदोलन चला रही है। और इसमें हम बेरोजगार टेंट लगा रहे हैं गांव-गांव में और हम पोस्टर अभियान के माध्यम से युवाओं को जागृत कर रहे हैं, सरकार की जो वादा खिलाफी उसको प्रदर्शन कर रहे हैं और एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज एसडीएम कार्यालय का घेराव था। छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिलने से रहा, क्योंकि सरकार की अब औकात नहीं बची है कि ये छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार दे या बेरोजगारी भत्ता दे, क्योंकि कंठ तक के सरकार कर्ज में डूबी हुई है। निश्चित रूप से इसके बाद हम जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे युवाओं को लेकर के, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा भाई बहनों के साथ युवा मोर्चा मिल करके निश्चित रूप से 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके और जन आंदोलन के रूप में इस विषय को हम उठाएंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुर्सियों को हिलाएंगे और 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ के युवाओं के बदौलत भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। सीएमआईसी की रिपोर्ट दुर्ग सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी 0.8% है, जबकि देश की औसत बेरोजगारी दर 6.9% है, जो जुलाई में दर्ज की गई है। कांग्रेसी इसे छत्तीसगढ़ सरकार की बेहतर नीतियों का नतीजा मान रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जुलाई तक के आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर 0.8% दर्ज की गई है, जो देश में सबसे न्यूनतम स्थान पर है। सीएमआईई के द्वारा जारी किए गए इस आंकड़े ने कांग्रेस जनों को नए उत्साह से भर दिया है, जिनका मानना है कि सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी किए गए यह आंकड़े प्रदेश सरकार की बेहतर रोजगार मुखी योजनाओं का परिणाम है, जिसकी बदौलत छत्तीसगढ़ न्यूनतम बेरोजगारी की ओर अग्रसर हो रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के माटे पुत्र और यशस्वी मुख्यमंत्री ने लगातार बेरोजगारी कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। उन्होंने प्रारंभ से ही जो ग्रामीण उद्योग धंधे हैं उनको पुनः स्थापित करना, हमारे जो महिला समूह बने हुए हैं उसके साथ ही साथ सहकारी समितियां बनाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हमारे गाँव में होते हैं जिनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा था, उससे जो उनके उत्पाद बनाए नहीं जा रहे थे उन सभी चीज़ों को सृजित कर उन्हें डिब्बा बंद कर पैक कर बाहर भेजने का जो काम, उसे निर्यात करने का काम हमारी सरकार कर रही है, उन्हें सहयोग कर रही है। उसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि अभी सरकारी जो जितने भी विभाग हैं, चाहे वह शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य पुलिस विभाग हो, सभी विभागों में लगातार नियुक्तियाँ निकल रही है, जिससे युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास जागा है और सभी जो है इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। वर्तमान में सीएमआईई की जो रिपोर्ट है वह ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है और यह प्रयास बहुत ही सार्थक है कि यहाँ पर बेरोजगारी बिल्कुल कम है और आने वाले दिनों में हम यह कर सकते हैं कि बेरोजगारी न के बराबर यहाँ पर रहेगी, सभी के पास रोजगार होगा।
सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जारी आंकड़ों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता देवेश मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार अपने सुव्यवस्थित क्रमबद्ध योजनाओं और क्षेत्रीय परंपरागत व्यवसायों के अनुरूप कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्तासीन होते ही उन रोजगार मूलक योजनाओं को क्रियान्वित किया है जिससे छत्तीसगढ़ की अधिकांश आबादी को तुरंत रोजगार मिल गया और वे आत्मनिर्भर हुए। कांग्रेस प्रवक्ता देवेश मिश्रा ने विश्वास जताया है कि छत्तीसगढ़ जल्द ही 100% रोजगार उपलब्ध कराने में कामयाब होगा। पेंड्रा गोरेला मरवाही जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस की बैठक में गुटबाजी देखने को मिली। वहीं कई वरिष्ठों ने पार्टी को एक सूत्र में बांधकर रखने वाले को अध्यक्ष बनाने की पहल की। पेंड्रा गोरेला मरवाही जिला में कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। इस बीच बैठक में अध्यक्ष पद को लेकर जमकर गुटबाजी देखी गई। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण आदिवासी जिला अध्यक्ष के लिए बैठक में मांग उठी। कईयों ने इसे वर्तमान जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता की सोची समझी साजिश बताया। वहीं मरवाही विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे गुलाब राज ने आदिवासी जिला अध्यक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। आदिवासी नेता विवेक पोर्ते ने आदिवासी जिला अध्यक्ष की मांग का पुरजोर समर्थन किया। कई वरिष्ठों ने पार्टी को एक सूत्र में बांधने वालों को जिला अध्यक्ष बनाने की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद की दौड़ में विवेक पोर्ते व गुलाब सिंह राज सहित दर्जन भर लोग शामिल हैं। अब देखना होगा कि जिला अध्यक्ष का ताज कौन पहनता है। सोशल मीडिया में चल रहा है कि यहां से गौरला पिंडा मरवाही जितने भी आदिवासी वर्ग के लोग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हेतु आदिवासी जिला अध्यक्ष की मांग रखे हैं। हम लोगों को जिला अध्यक्ष की मांग नहीं थी, ये सूझी सड़ती एक षड्यंत्र था वर्तमान जिला अध्यक्ष का। जबकि कोई आदिवासी वर्ग कोई व्यक्ति माइक पकड़ा ही नहीं था। उसके पहले हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरेंद्र राय और मोहन शुक्ला द्वारा ये बात रखी गई कि यह क्षेत्र जो है पांचवी अनुसूची क्षेत्र है। यहाँ के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य एवं मंडी के अध्यक्ष, विधायक का पद, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी पद आदिवासी के लिए रक्षित है। चूँकि वो तो संवैधानिक अधिकार है, हमने जबकि मांग ही नहीं रखा था तो जबरन के थोपने वाली बात हुई। इसलिए मैं वहाँ पर बोला कि भाई हमारी संवैधानिक अधिकार है तो पंच, सरपंच, जनपद अध्यक्ष तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन जिला अध्यक्ष उस व्यक्ति को सौंपा जाए जो संगठन को एक धागे में बांध कर पिरो कर चले, ऐसे व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाया जाए। ये हम लोगों की मांग थी और मेरा कथन था। आज भी इस बात में मैं अडिग हूँ कि जिला अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो सभी वर्गों को, सभी जाति को, सभी समुदाय को साथ में लेके चले, ना कि सिंगल व्यापारीकरण राजनीति करने वाले व्यक्ति अगर जिला अध्यक्ष बनाई जाएगी तो इसके लिए पूरा आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करेगा। आदिवासी के तो सारे पद होते हैं और वो संगठन में जो अच्छा काम करेगा वो जिला अध्यक्ष बनेगा। और विधायक जी की निष्क्रियता मैं नहीं कहूँगा, अपने क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं और मैं भी फॉर्म भरा हूँ जिला अध्यक्ष के लिए, और अगर पार्टी संगठन मेरे को मौका देती है तो मैं पार्टी का कार्य करने के लिए तैयार हूँ। पूरी निष्ठा के साथ मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करूँगा अगर मेरे को पार्टी मौका देगी। ना केवल क्षेत्र के हिसाब से बल्कि यहाँ जो जनसंख्या है उसके हिसाब से भी आप देखेंगे तो आदिवासियों की जो आवश्यकताएँ हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। उनकी छोटी छोटी जो डिमांड हैं चाहे शासन प्रशासन को लेकर हो, जिलाध्यक्ष से लोग मिलने में संकोच करते हैं हमारे आदिवासी समाज के लोग। अगर काश हमारे विधायक थोड़ी एक्टिव होते और जिलाध्यक्ष हमारे समाज के होते तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे समाज का कल्याण हो सकता है, उनके काम हो सकते हैं। और मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ जिलाध्यक्ष हमारा पेंड्रा गौरेला मरवाही का आदिवासी समाज से हो। जहाँ तक संगठन की बात है, जिला कांग्रेस कमेटी का जो चुनाव चल रहा है ब्लॉक से लेकर के जिला और प्रदेश का, उसमें जो मेन है वो है डिजिटल सदस्यता और पार्टी की जो रीति रीति को समझने वाले जो संघर्षशील हैं उनका, उन्हें पद मिलना चाहिए। हमने डीआरओ के समक्ष ये बात रखी है कि जिन्होंने डिजिटल सदस्यता मेंबरशिप की है, जो एआईसीसी का निर्देश है, उसके आधार पे चुनाव हो। हमारी मांग है कि डिजिटल के आधार पे सदस्यता हुआ है और उन्होंने कहा था कि हम इसके आधार पर चुनाव होगा, तो हमारी मांग है कि डिजिटल सदस्यता के आधार पर चुनाव कराया जाए। हम जो भी कांग्रेस में कोई जात पात की बात नहीं है, हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन जो फील्ड में काम कर रहा है उसे मौका मिलना चाहिए। कोई किसी नेता का परिक्रमा कर रहा है, कोई किसी नेता का समर्थक है, ये बात
नहीं होना चाहिए, सिर्फ हम कांग्रेस का जो काम करने वाला कार्यकर्ता है उसे मौका मिलना चाहिए। दुर्ग निगम महापौर के कक्ष में लाखों रुपए खर्च कर किए गए जीर्णोद्धार के कार्य के बाद भी दिखी अव्यवस्था, चंद घंटों की बारिश में ही टपकने लगी छत। दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल के कक्ष का लाखों रुपए खर्च कर जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसके तहत नए फर्नीचर के साथ ही फॉल सीलिंग और रंग रोहन के साथ महापौर कक्ष को सजाया जा रहा है। लेकिन जीर्णोद्धार के इस कार्य में एक बड़ी खामी बुधवार को उजागर हुई, जब चंद घंटों की बारिश में ही महापौर कक्ष में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई और कक्ष की दीवारों से पानी रिसता दिखाई दिया। इस अव्यवस्था को लेकर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा और न ही इसके लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित की। ऐसे में लाखों रुपए खर्च कर महापौर कक्ष के जीर्णोद्धार के कार्य में सवालिया निशान लग गया है, जो निगम की अदूरदृष्टिता को दर्शाता है। खाद की कमी को लेकर गुस्साए किसान ने सेवा सहकारी केंद्र के कंप्यूटर को तोड़ दिया। किसान के गुस्साने के बाद तोड़फोड़ का मामला सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया। खाद खरीदी को लेकर सोसाइटियों में लंबी कतार लग रही है। लंबे इंतजार करने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, इसको लेकर किसानों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। जमुनिया निवासी किसान संतोष धुर्वे ने खाद मिलने में हो रही लेट लतीफी से नाराज होकर सहकारी सेवा केंद्र रणवीरपुर के कंप्यूटर को तोड़ दिया। सोसाइटी में तोड़फोड़ के मामले का खुलासा वायरल वीडियो में हुआ है। कल मैं छुट्टी में था, घर में आवश्यक काम था, इसलिए नहीं आया था। सोसाइटी का सहायक समिति प्रबंधक जो है खाद का वितरण कर रहा था। आज घर ऑफिस आने के बाद पता चला कि कंप्यूटर को तोड़ दिए हैं। पूरे घटना की जानकारी सहायक समिति प्रबंधक के पास मिलेगा। किस कारण से तोड़ा आखिर किसान ने कंप्यूटर को? वही बता पाएगा, तो मैं कल तो नहीं था। अच्छा, आपके सोसाइटी में खाद कितना उपलब्ध है? DAP और 20-20-0-13 इक्को दोनों नहीं है। 200-300 आदमी का भीड़ लगा हुआ था और एक किसान आया और बहस कर रहा था, वो शराब पिए हुआ था। उसके बाद वो यहाँ से बहस करने के बाद फिर चला गया, फिर उसके बाद वो फिर और ज़्यादा पी के आया। उसके बाद ना हम लोग काम में व्यस्त थे और आया और एक महिला को लेके अंदर घुसने लगा और उसका परमिट काटो करके बोला, तो उसका परमिट पहले से कट चुका था, तो हम लोग बताया कट गए हैं। तो हर किसान को दो दो बोरी मिलना चाहिए, किसी को एक बोरी, किसी को दो बोरी मिल रहा है। तो हम लोग बोले कि 5 से नीचे किसी छोटा किसान को एक बोरी दे रहे हैं और बड़ा किसान जो 10 या 20 एकड़ भी है उसको दो बोरी दे रहे थे। बस मामला यही था। उसके बाद आया और उसने कंप्यूटर को धाम से मारा हाथ से और उठाकर पटक दिया। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही बने रहेगा। आप भी बने रहिए इंजन न्यूज के साथ। शिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।
आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के खरगोन में हॉस्पिटल से मासूम बच्चे का अपहरण कर ले जा रही महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद पुलिस ने खोजबीन कर महज 7 घंटे में बच्चे को छुड़ाकर चोर दाम्पत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। खरगोन जिले के निजी शारदा हॉस्पिटल से दिन दहाड़े 1.5 साल के मासूम बच्चे हसनैन का अपहरण कर भाग रही महिला स्कूटी सवार युवक के साथ सीसीटीवी कैमरे में कैद दंपति को कोतवाली पुलिस ने पीथमपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी दंपति से अपहरण किए गए मासूम को बरामद कर लिया गया है। आरोपी महिला स्वयं को हॉस्पिटल का स्टाफ बताकर मासूम को चुरा ली थी। फिलहाल आरोपी दंपति कौन है, किस मकसद से अपहरण किया गया, इसका पता नहीं लग पाया है। पुलिस आरोपी दंपति से कड़ाई के साथ आगे पूछताछ कर रही है। थाना कोतवाली पर शारदा अस्पताल के सामने बगीचे से एक बच्चे की अपहरण के मामले में अपराध पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में लगातार पुलिस की टीम ने अथक प्रयास करते हुए बच्चे को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है और आरोपियों को राउंड अप किया है। अच्छा जी, तो ये सर कितने 7 घंटे बताया, 7 घंटे में सफलता मिल गई? हाँ, बच्चे चोरी होने से अभी तक जो है सफलता मिली है पुलिस को। समय का अनुमान पूरा 7 घंटे का ही बताया जा रहा है। किराए के होटल पर 4 माह से देह व्यापार का संचालन हो रहा था। इंदौर पुलिस ने होटल में छापेमार कार्रवाई कर वहां से सेक्स रैकेट में शामिल दर्जन भर लोगों को पकड़ा है। इस मामले में पुलिस ने होटल संचालक पर कार्रवाई कर पूछताछ कर रही है। इंदौर की भवरकुआ पुलिस ने चंदन पैलेस होटल में छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने देह व्यापार में शामिल 6 युवक और 6 युवतियों सहित होटल संचालक और कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो किराए पर लिए होटल में 4 माह से देह व्यापार का कारोबार फल फूल रहा था। गिरफ्तार युवतियों में अधिकतर पूर्वोत्तर राज्य और बिहार के बताए जा रहे हैं। पुलिस की कड़ी पूछताछ से देह व्यापार से जुड़े और भी लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद है। ये चंदन प्लाजा होटल है थाना वरगा क्षेत्र में। इसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध गतिविधियां चल रही हैं, उसको लेके वरगा थाने की पुलिस ने रेड करी है। इसमें अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से 6 लड़कियाँ और इसमें जो मुख्य जो होटल के संचालक है वो, उसका मैनेजर, एक अन्य स्टाफ और 3 अन्य लोग जो बाहरी हैं, इन सबको पुलिस ने पकड़ा है और इसमें विभिन्न लोगों से सभी से पूछताछ की जा रही है और प्रिवेंशन ऑफ मोलन ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है। कब से संचालित हो रहा था ये? अभी जो जानकारी लोगों ने बताई है आपस में, तो ये होटल किसी अन्य की प्रॉपर्टी है। इसमें जो पुनीत गौड़ करके है, जो इसने इसको इनसे रेंट पे ले रखा है और संचालन यही करता है, वो टाइप का होटल है। और इसका ऐसा कहना है कि पिछले 1 साल से करीब इन्होंने जो है उसको चालू किया था और इन गतिविधियों के बारे में जो मैनेजर है वो उसका बताना है कि पिछले 3-4-5 महीने से ये गतिविधि चला रही हैं। ऑल्दो इनकी बातें सच हैं कि नहीं, ये साक्ष्य पे और विवेचना के आधार पर पता चलेगा। डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, सारी चीज़ों का पता लगाएंगे। और इसमें कुछ महिलाएँ जो लड़कियाँ जो हैं बाहर की भी हैं, एक नॉर्थ ईस्ट की है और 1-2 बिहार की रहने वाली भी हैं, तो उसमें सभी एस्पेक्ट पे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें इनका जो मोटर सप्रेंडी है वो यही रहता है कि ये ग्राहकों को इनवाइट करते हैं और उसके बाद कुछ लोग जो है अलग अलग मोड में इसमें काम करते हैं, ये लोग सेक्स वर्कर के साथ, तो उस प्रकार की गतिविधियाँ पाई गई हैं। किसी शायर ने ठीक ही कहा था कि हमें तो अपनों ने लूट लिया, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी थी वहीं जहाँ पानी कम था। यह शायरी संदीप व काजल की प्रेम कहानी में सटीक बैठ रहा है। शहडोल जिले के गोपारू में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पेड़ से बांधकर सिर पर चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। इस अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शहडोल जिले के सोनटोला के जंगल में गोपारू के रहने वाले संदीप गुप्ता का शव 29 जुलाई को एक सरई के पेड़ से हाथ पैर बंधे मृत अवस्था में मिला था, जिसके सिर पर चोट के निशान थे। इस अंधे कत्ल का खुलासा पुलिस ने 48 घंटे में कर दिया। इस मामले में हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका ही निकली। पुलिस ने इस मामले में मृतक संदीप की प्रेमिका काजल सोनी व उसके नए प्रेमी अफरोज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो संदीप और काजल में प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी बीच संदीप की किसी से सगाई हो गई। प्रेमिका का प्रेम संबंध अनूपपुर के कोतमा निवासी अफरोज से हो गया। प्रेमिका काजल बदला लेने के लिए अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर संदीप को पेड़ में बांधकर चाकू से वार कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने प्रेमिका काजल और अफरोज को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। शहडोल के पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक और उनकी टीम के द्वारा
इस अंधे कत्ल को, इस अज्ञात व्यक्ति द्वारा किए गए कत्ल को जो कि विरल से विरलतम श्रेणी में भी आता है, सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में आता है, तो इस प्रकरण में डिटेक्शन किया है और इसमें जो आरोपी है वो एक महिला है जो कि मृतक की दोस्त रही है, उसके द्वारा इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है और उनके सहयोग और षड्यंत्र में एक व्यक्ति और है, वो भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी और पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और फॉरेंसिक दृष्टिकोण के साथ साक्ष्य समेत माननीय न्यायालय में शीघ्र चालान प्रस्तुत करने में कामयाब होंगे, मेरी उनसे शुभकामना। हत्या का कारण क्या है सर? हत्या का कारण इसमें जो मृतक की सहेली थी, जो आरोपी इस प्रकरण में गिरफ्तार हुई है, उसने अपने ही कथन में अपनी संस्वीकृति में बताया है कि ये लड़का मृतक उसका दोस्त जैसे भी था, परंतु इसकी जब से शादी हुई तब से इसने मना किया कि मुझसे मत मिलाकर, लेकिन ये उसको स्टॉकिंग करता था, फॉलो करता था, ताड़ित करता था। तो जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन इस महिला ने पूरा कृत संकल्प करके ये निश्चय करके कि आज यदि ये परेशान करेगा तो उसको बता देंगे। तो इस पूरी कड़ी में जो एक शख्स और है अंसारी नाम का, उसका भी योगदान रहा है, जिसके द्वारा इसमें चाकू आदि का जो मुहैया कराया है, जो अवेलेबल कराया है। और इस पूरे प्रकरण में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सामने आई है कि जो मृतक है उसके पास से एक या उसके घर से एक दूरबीन मिली है, वो दूरबीन से उस महिला का कहना है कि ये अपने घर के यहाँ से आते जाते उसे ताड़ता था, उसे देखता था, और जिसको लेकर उसने अपने पिताजी को भी कुछ माफूल बताई थी, उसके पिताजी के द्वारा भी इसके घर जाकर या इस व्यक्ति को जो मृतक है समझाया गया था, लेकिन उसके बाद भी ये घटना बंद नहीं हुई। तो लिहाजा महिला इतनी पीड़ित और प्रताड़ित हो गई कि उसके द्वारा इस घटना को, इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया गया, और इसके मूल में कुछ मोबाइल और कुछ चैट्स और कुछ फोटोग्राफ्स, वो भी लेन देन की बात इसमें थी, जो कि आगे विवेचना में मुझे उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक उनकी टीम इसमें पड़ताल करेगी। रायगढ़ जिले के ललुंगा विधानसभा क्षेत्र में हत्या के तीन अलग अलग मामले सामने आए हैं। ग्राम सोनाजोरी के नवापारा में जमीन विवाद पर चाचा ने भतीजे, और दूसरी घटना में ग्राम सलखिया में ससुर ने दामाद की हत्या कर दी। वहीं ललुंगा में एक अज्ञात शव पाया गया। पुलिस दो मामलों में आरोपी चाचा और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरे घटना के हत्यारे की तलाश अभी भी जारी है। ललुंगा थाना क्षेत्र में आज हत्या के तीन घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने हत्या के दो मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरे मामले में आरोपी की पतासाजी की जा रही है। पहले मामले में ग्राम सोनाजोरी के नवपारा में सगे चाचा ने अपने भतीजे को वाद विवाद कर टांगी मारकर मौत के घाट उतार दिया। दूसरी घटना ग्राम सलखिया की है, जहां ससुर दामाद में विवाद होने पर ससुर ने लाठी से पीट पीट कर दामाद की हत्या कर दी। वह ललुंगा के सुनसान इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया। पुलिस ने आरोपी चाचा और ससुर को गिरफ्तार तो कर लिया है, वहीं तीसरे मामले में पुलिस अज्ञात शव की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल हर क्षण हर सच के साथ। नमस्कार।